एक बार मैं चाहूंगा अनुमोदन करें हमारे जैन गुरु गणेश के जो डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, महावीर भाई, ललित भाई, और आज का भी ये कार्यक्रम आप जब चाहें, आपका जब मन करे तब आप वापस से देख सकते हैं, रिले देख सकते हैं, जब चाहें आप हमारा नाम डालेंगे, इनका चैनल खोलेंगे तो हम लोग ही नजर आएंगे उसमें। एक डोली चली गई है, अर्थी चली है, अर्थी चली, बात दोनों में कुछ इस तरह से चली, तरह से चली। बोली डोली तुम्हें किसने धोखा दिया, तेरा ये क्या किया तू बता दे जरा मुझको, ऐ दिल जली कहाँ तू चली। एक डोली चली है, अर्थी चली है, अर्थी चली, बात दोनों में कुछ इस तरह से चली, तरह से चली। एक डोली चली है, अर्थी चली। अर्थी कहती है देखो जरा आज भी हम में कितनी समानताएं हैं। देखिए दोनों का जन्म एक साथ हुआ, स्कूल गई साथ में, कॉलेज गई साथ में, और भगवान ने कैसा खेल रचाया जब दोनों के विवाह का मुहूर्त निकाला गया, वो मुहूर्त भी एक ही दिन का निकला, शादी संपन्न हो गई, लेकिन विदाई से पहले उन दोनों में से एक सखी की मौत हो गई। उस समय यह दृश्य वहां पर उपस्थित हुआ, दोनों का मिलान जब एक मोड़ पर हुआ, डोली बोल पड़ी कि बहन आज ही तूने अन्याय कैसा कर दिया, पहली बात तो तूने मेरा साथ छोड़ दिया, और साथ छोड़ा तो छोड़ा, मैं अपने जीवन की नई शुरुआत करने जा रही थी, तूने मेरे आगे आकर के सब कुछ अपशगुन कर दिया। ऐसा कि अर्थी कहने लगी बहन जरा देखो आज भी हमें क्या क्या समानताएं हैं। कि चार तुझ में लगे, चार मुझ में लगे, चार तुझ में लगे, चार मुझ में लगे, फूल तुझ पे लगे, फूल मुझ पे लगे, फर्क फर्क इतना सा है मुझसे, सुन ले सखी जरा, सुन ले सखी, तू पिया को चली, तू पिया को चली, मैं प्रभु को चली, प्रभु को चली, तू पिया को चली, मैं प्रभु को चली, प्रभु को चली। एक डोली चली, अर्थी चली। अर्थी कहती है बहन जरा देखो इतना ही नहीं, क्योंकि शादी तो संपन्न हो चुकी थी, तो वहां दृश्य कैसा था कि मांग तेरी भरी, मांग मेरी भरी, मांग तेरी भरी, मांग मेरी भरी, चूड़ी तेरी हरी, चूड़ी मेरी गरी। फर्क फर्क इतना, फर्क इतना सा है मुझसे, सुन ले सखी, तू जहां को चली, तू जहां को चली, मैं जहां से चली, जहां से चली, तू जहां को चली, मैं जहां से चली, जहां से चली। एक डोरी। अंत में
अर्थी ने स्वीकार किया कि बहन फर्क तो है, लेकिन सबसे बड़ा फर्क क्या है त्रिलंबन कि डोली जब तू घर से विदा हुई तो वहां पर खुशियों का माहौल था, लेकिन मैं जब घर से विदा हुई, घर जाने वाली थी, जिस घर जाने वाली थी वहां पर भी मातम छाया हुआ है। जब मैं घर से विदा हुई तो आवाज कुछ ऐसी आई, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो। ना करो एक साजन, संगीत बहुत बड़ा भक्ति का स्वरूप है, संगीत तो स्वयं अपने आप में एक भक्ति है कि एक साजन तेरा खुश। आज मैं एक और बात आपसे शेयर करूं, सब घर घर के लोग बैठे हैं, एक बड़ी अच्छी सी प्रथा चली है, अब अच्छी है कि बुरी मुझे नहीं पता, हम लोग जिसे चाहे संगीत सम्राट बना देते हैं, जिसे चाहे स्वर सम्राट बना देते हैं। सबसे पहली बात तो संगीतकार का मतलब ही बड़ा अलग होता है, हम लोग केवल गायक हैं, हम संगीतकार नहीं हैं, हमारी पदवी बहुत छोटी है। संगीतकार बनने के लिए जन्मों जन्म तपस्याएं करनी पड़ती है संगीत की, तब जाकर के संगीतकार बनते हैं। और संगीत शिरोमणि, संगीत सम्राट, संगीत स्वर सम्राट परमात्मा, हम हर चीज में हम अहिंसा के पुजारी हैं, और अगर हम ऐसा करते हैं तो हम हिंसा करते हैं। कृपया ध्यान दें, हैदराबाद के लोग बड़े समझदार हैं, महावीर भाई ललित भाई से भी मैं यही डिस्कशन हमारा चल रहा था दिन में भी कि एक साजन 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 क्या बात है, एक साजन तेरा खुश हो जाएगा, एक साजन साजन। ध्यान दे रमेश जी, संगीत किसे कहते हैं, साजन 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 साजन। एक साजन, आप लोग सोच रहे हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में संगीत यही है, हम जो करते हैं वो संगीत नहीं, वो तो धूमधड़ा का एक्सीडेंटल है कि एक साजन तेरा खुश हो जाएगा, एक साजन मेरा मुझको रो जाएगा। क्योंकि अंतिम फर्क जो है सखी वो मात्र इतना सा है कि फर्क इतना सा है मुझसे, सुन ले सखी तू विदा हो चली, तू विदा हो चली मैं अलविदा हो चली, अलविदा हो चली तू विदा हो चली मैं अलविदा हो चली, अलविदा हो चली एक डोली। यही सा अनिल भैया कि संतों सुरगा सो आयो रे संदेश,
संतो सुरगा सुआग्यो रे संदेश बुलावो आग्यो भगवान रो ओ संतो सुरगा सुआग्यो रे संदेश बुलावो आग्यो भगवान। एक महिला जब उसे पता लगा कि मेरा अंतिम समय आ गया, वो भगवान से कहती है कि प्रभु मुझे 5 मिनट का समय और दीजिए, उसके बाद बेशक मैं आपके साथ चलूंगी। लेकिन वो 5 मिनट में किससे और क्या बात करना चाहती है, जरा गौर से सुने प्रीतमबन। एक मिनट प्रभु माने दो तो करा बेटा से बात, एक मिनट प्रभु माने दो तो करा बेटा से बात, डिबले मांगी गहना राख्या डिबले मांगी गहना राख्या आपस में ले जो जीते बाट बुलावो आग्यो भगवान रो। डिबले मांगी गहना राख्या आपस में ले जो जीते बाट बुलावो आग्यो भगवान। दूसरा मिनट, एक मिनट एक मिनट एक मिनट प्रभु माने दो तो कर बहुआ से बात, एक मिनट प्रभु माने दो तो कर बहुआ से बात, कि बहू मैं तो घर ने बांध के राखी हो, मैं तो घर ने बांध के राखी, अब थे संभालो परिवार बुलावो आग्यो भगवान रो। तीसरा मिनट, एक मिनट एक मिनट प्रभु माने दो तो करा पोता से बात, एक मिनट प्रभु माने दो तो करा पोता से बात, दादी जी तो सुरगा चली हो, दादी जी तो सुरगा चली, खुण तो करेला थारा लाड। आंटी जी आप किन को इशारा कर रहे हैं, किन को भेजना है बताइए जरा। दादी जी तो सुरगा चाली खुण तो करेला थारा लाड बुलावो आजो। चौथा मिनट, एक मिनट, हम में से कोई ऐसा नहीं होगा कि जिसके जीवन में इस 5 मिनट की घटनाएं नहीं आती हो, कि एक मिनट प्रभु माने दो तो करा मैं करा बेटी से बात, कि बेटी मायरे की मन में रगी हो, मायरे की मन में रगी, बीरा भरेला थारो भात बुलावो आग्यो भगवान रो। रे बीरा राखी रो दिन आयो, मैं राखी रो थाल सजायो, बीरा आजा हो रे मारा बीरा। आखिरी अंतिम 5वां मिनट वो कहती है, प्रभु ये 5वां मिनट मुझे अपने जीवन स्वामी अपने पति परमेश्वर के लिए चाहिए, मैं बड़ी सौभाग्यशाली हूं कि सुहागिन इस दुनिया से जा रही हूं, तो मेरी अंतिम इच्छा मात्र यही है कि हे पति परमेश्वर, जिस श्रृंगार के साथ आप मुझे अपने घर विवाह करके लाए थे, आज अंतिम विदाई के समय भी वही श्रृंगार मेरे तन पर हो। कि एक मिनट एक मिनट प्रभु माने दो तो करा पति से बात, मैं करा पति से बात, रोली मेहंदी चावल लेकर, रोली मेहंदी चावल लेकर, मोतियों से भर दो मारी मांग बुलावो आग्यो भगवान रो। हो रोली मेहंदी चावल लेकर, मोतियों से भर दो मारी मांग बुलावो आग्यो भगवान रो, बुलावो आग्यो भगवान रो, बुलावो आज्यो भगवान रो, बुलावो आज्यो भगवान रो। और हमारे नवरतन मल जी की जो इच्छा थी, 2 पंक्तियां वो मैं जरूर सुनाऊंगा। ए लकड़ी तू बन लकड़ी फिर देख तमाशा, आप सबको याद है, साथ में गाइए। ए लकड़ी तू बन लकड़ी फिर देख तमाशा,
देख तमाशा, बड़ी देर से हमको देख रहे हो, अब काम नहीं चलेगा जाता ताली के साथ। देख तमाशा लकड़ी का, गर्भाशय से बालक निकला झूले पालना, लकड़ी का वो झूले पालना, लकड़ी का 5 वर्ष की उम्र हुई तब हाथ खिलौना, लकड़ी का 8 वर्ष की उम्र हुई तब गिल्ली डंडा, 20 वर्ष की उम्र हुई तो शादी की तैयारी की, सहरा बांध कर घोड़ी चढ़ा तब तोरण मारा, तब तोरण मारा लकड़ी का। बारात लेकर चले बराती रेल का डब्बा लकड़ी का, शादी करके घर को आया चक्कर गए, चक्कर गए, एक मिनट, शादी करके घर को आया चक्कर गए, हैं? नहीं, शादी में चक्कर किसका, लड़की का, सोच लो, YouTube पर सब देखेंगे किसने बोला लड़की कि शादी करके घर को आया चक्कर है ये शादी का, बैठे बैठे आया ख्याल तब तेल नून और लकड़ी का, 40 वर्ष की उम्र हुई तो आया ख्याल बुढ़ापे का, 60 वर्ष की उम्र हुई तब हाथ में डंडा, तब हाथ में डंडा लकड़ी का, 80 वर्ष की उम्र हुई तो चलने की तैयारी की, 4 जने लेकर चलिए तब बना खटोला लकड़ी का, तब बना खटोला लकड़ी का, गंगा किनारे जाए धरा स्नान कराया पानी का, नीचे लकड़ी ऊपर लकड़ी दाएं लकड़ी बाएं लकड़ी चिता बनाया लकड़ी का, तब चिता बनाया लकड़ी का। यहाँ तक परिवार के लोग उस शरीर का साथ देते हैं अग्नि देने तक, लेकिन इसके बाद एक स्टेप जो आता है, लास्ट जो स्टेप होता है, वहां पर परिवार पीछे हो जाता है लेकिन लकड़ी उस शरीर का साथ देती है। कैसे? कि आधा मरा शरीर जला, आदम धीर शरीर जला, जला ठोसा मारा लकड़ी का, कहते कबीर सुनो भाई साधो खेल है सारा, खेल है सारा, किसका, लकड़ी का तो नहीं है ना, ये खेल है सारा लकड़ी का, खेल है सारा लकड़ी का, एक डोली चली अर्थी चली